સંઘ પ્રદેશ દાદરનગર હવેલી પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા અગ્નિવીરની ભરતી માટે અરજદાર યુવાનો માટે ફિઝિકલ ટ્રેનિંગનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સેલવાસના સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ તેમજ ખાનવેલ ખાતે આવેલ ચોડા ગ્રાઉન્ડમાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા એસપી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીણાના માર્ગદર્શનમાં અગ્નિવીરના જવાનોની ભરતી માટે અરજદાર યુવાનોને ફિઝિકલ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. આ ટ્રેનિંગ લેનાર યુવાનોને અમદાવાદમાં યોજાનાર ફિઝિકલ ટ્રેનિંગની પરીક્ષામાં મોકલવામાં આવશે, જ્યાંથી પરીક્ષા પાસ કરનાર યુવાનોનું અગ્નિવીરમાં સિલેક્શન કરવામાં આવશે. અગ્નિવીર સ્કીમ જો આર્મી વાળા આયા અમને ફોર્મ ભરા ઉસકે લિયે હમ લોગ કો ટ્રેનિંગ દી જા રહી હૈ અપના સિલવાસા સ્ટેડિયમ પે. તો બહુ હી અચ્છા હમારા ટ્રેનિંગ ચાલ રહા હૈ. જો ભી હમારા ટ્રેનિંગ મેં જો ભી હૈ રનિંગ પુલઅપ્સ હાઈ લોંગ જમ્પ તો સભી હમ લોગ કો બહુ હી અચ્છા સે મતલબ ટ્રેનિંગ દી જા રહી હૈ. તો ઉસકે લિયે હમ લોગ બહુ બહુ ધન્યવાદ કરના ચાહતે હમારે આર્મી વાલે સ્ટાફ હૈ, બટાલિયન સે સ્ટાફ હૈ, પુલિસ વાલે સ્ટાફ સર હૈ. તો બહુ બહુ ધન્યવાદ હમ લોગ કરના ચાહતે એસે હમ લોગ કો મતલબ ટ્રેનિંગ દી જા રહી હૈ ફ્રી મેં. તો બહુ બહુ ધન્યવાદ. જય હિંદ, જય હિંદ. हम मुझे और मेरे साथ जितने मेरे साथ पार्टनर्स हैं मेरे सबको बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है, बहुत अच्छी फिज़िकल फिटनेस मिल रही है जो हमने कभी फिज़िकल की नहीं है, वो यहाँ आने से हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. और मैं चाहूँगी कि हम आगे भी ऐसे ही फिज़िकल कंटिन्यू रखें. और सर लोग का जो सपोर्ट है, सर लोग जो हमें सजेस्ट करते हैं, सर लोग जो हमें गाइड करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. जो कोई नहीं कर सकता, जिसको नहीं आ रहा है, उसे तो सर फुल सपोर्ट करते हैं और फुल अच्छे से सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. की ओर से आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए हमारे दादरा नगर के कैंडिडेट के लिए और दमन दीव के कैंडिडेट के लिए अलग अलग रिजर्व कैटेगरी वहाँ रखी है, वहाँ पर स्पेशल थी. और वहाँ ये ऑल इंडिया लेवल पे जो आर्मी की भर्ती हो रही है, जो दादरा नगर दिल्ली और दमन के लिए अहमदाबाद में रैली कर रहे हैं रिक्रूटमेंट रैली, और दीव के लिए राजकोट में. तो हम लोग ये 15 तारीख से शुरू हो रही है दादरा नगर दमन दीव से. तो उसके लिए हम लोग यहाँ के जो दादरा नगर दिल्ली दमन दीव के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम प्री फिज़िकल हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि यहाँ से ज़्यादा तादाद में यहाँ के कैंडिडेट वहाँ जाके रैली में जाके सिलेक्ट हो, उनको नौकरी में चांस लगे, उनको नौकरी मिले. सर, वैकेंसी को लेकर जिस तरह से खास चीज़ें लगी रहती है, लगो युवाओं में होड़ नज़र आता है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप बात करें दादरा नगर हवेली दमन दीव पुलिस की, जिस तरह से आप लोग आगे आकर ये चीज़ें सिखा रहे हैं करा रहे हैं, देखने को मिल रहा है हमारे DIG सर के नेतृत्व में और यहाँ के हमारे जो SP श्री RP मीणा सर के गाइडेंस में, सुपरविज़न में, दादरा नगर हवेली के कैंडिडेट के लिए हमें आगे से अग्निवीर का भी हमारा चल रहा था. तो इसके लिए हमें यहाँ का जो लोकल आदिवासी है, लोकल पीपल है, जो ये यूनिफॉर्मरी फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, उसका एक सपना था, वो साकार करने जा रहा है. और यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है. यहाँ का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर से भी हमें, RDC मैडम से भी हमें ये ग्राउंड मिला, उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का आभार मानते हैं. ये हमारा दो जगह पे हम यहाँ पर ट्रेनिंग फिजिकल करा रहे हैं, एक तो यहाँ स्टेडियम ग्राउंड में सिलवासा में है, दूसरा हमारा कैंप है खानवेल में, खानवेल चौड़ा ग्राउंड है, वहाँ भी हमें सपोर्ट मिला, वहाँ हमें सरपंच का भी हमें सपोर्ट मिला, ताकि हम लोग वहाँ पर अच्छी तरह से फिजिकल कर सके. और यहाँ के जो कैंडिडेट है, जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ से जिन्होंने एप्लीकेशन की है जो फोर्स में जाने के लिए, वो बहुत उत्साह से उन लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सर, कितने समय का ये? 5 तारीख से हमने स्टार्ट किया था जी. तो ये हमारे इसके अंदर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं RP मीणा सर जी, और हमारे जो फिज़िकल टीचर, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट से फिज़िकल टीचर की हमने सहायता ली है. यहाँ जो आर्मी रिटायरमेंट हमारे नगर हवेली में जो है, रिलायंस कंपनी वगैरह जो आर्मी रिटायर, जिन्होंने अच्छी फिज़िकल क्या बोलते हैं, जो उस्ताद के तौर से ये किए, उनके भी हमने सहायता ली है. उनके जो डॉक्टर्स हैं जो आर्मी में रिटायर्ड हैं, उनसे भी हमने सहायता ली है, IRB से भी हमने सहायता ली है, ताकि हम मैक्सिमम इन लोगों को फिजिकल फिटनेस बनाए, ताकि वहाँ पर जाके रैली में जाके उन लोग सिलेक्ट हो, उन लोगों को नौकरी का लाभ मिले और उनका सपना साकार हो. बहुत बहुत धन्यवाद.